सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme के एक बजट स्मार्टफोन की जो आपको काफी जल्दी इंडिया की मार्केट में देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है Realme C20। Realme C20 वियतनाम की मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। गाइस, अगर आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियोज में बताया था कि Realme के एक बजट लेवल का स्मार्टफोन इंडिया की BI साइट के ऊपर स्पोर्ट किया गया है, जिसका मॉडल नंबर है RMX 3201। तो हो सकते हैं C20 आपको काफी जल्दी इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाए। एक लो बजट लेवल का स्मार्टफोन होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल फोन पर मिलने वाली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो गाइस, ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा ले। शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन पर मिलने वाले डिजाइन से। यहां पर आपको एक पॉलीकार्बोनेट का बैक दिया जाएगा। ये स्मार्टफोन आपको दो कलर ऑप्शन में मिलेगा। रियर साइड पर सिंगल रियर कैमरे का सेटअप और LED फ्लैश लाइट मिलेगी। बड़े बड़े फॉन्ट में आपको Realme की ब्रांडिंग भी दी गई है। काफी हद तक मोबाइल फोन का डिजाइन Realme C11 से मिलता जुलता है। बात करें मोबाइल फोन की स्क्रीन साइज की, तो यहाँ पर Realme की साइड से Realme C20 पर ऑफर की गई है 6.5 इंच की डिस्प्ले, जिस पर मिलता है HD प्लस का रेजोल्यूशन, साथ में मिल जाती है एक वाटर ड्रॉप नॉच, और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। बजट के हिसाब से काफी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर आपको Realme C20 पर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे सेटअप की। गाइज, ये स्मार्टफोन एक लो लेवल बजट लेवल का स्मार्टफोन है, तो ऐसे में गाइज हम मोबाइल फोन के कैमरे से ज्यादा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट रियर साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑफर किया गया है। बजट के हिसाब से देखा जाए तो मोबाइल फोन पर आपको एक बढ़िया कैमरे मिल जाएगी। बात करें मोबाइल फोन पर मिलने वाली प्रोसेसिंग पावर की, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा MediaTek Helio G35 के SoC। दोस्तों, ये प्रोसेसर आप Realme के काफी सारे बजट स्मार्टफोन पर देख चुके होंगे, जैसे कि Realme C11, C12 और C15। बजट के हिसाब से ये प्रोसेसर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। रैम और स्टोरेज की बात करें, तो यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप SD कार्ड का यूज करोगे तो आप मोबाइल फोन के स्टोरेज को 256GB तक बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ SD कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है। बजट के हिसाब से स्मार्टफोन आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। नॉर्मल चार्जिंग USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सभी तरह की बेसिक सेंसर मिलेगी। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलने वाला है। ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगी। एंड्रॉइड 10 के साथ Realme की कस्टम UI भी मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बजट के हिसाब से Realme C20 पर आपको काफी अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है। जैसे गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन वियतनाम की मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब मोबाइल फोन का बेस वेरिएंट आपको 7,800 रुपए की कीमत में मिलता है। तो गाइस, अगर ये स्मार्टफोन इन्हीं प्राइस में लगभग 7,000 या 7,500 के प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकते हैं, और बेस्ट बजट स्मार्टफोन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है और अच्छे कैमरे मिल जाते हैं अगर हम प्राइस को मद्देनजर रखें तो। तो हो सकता है ये स्मार्टफोन आपको काफी जल्दी इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले इंडिया की BI साइट के ऊपर Realme के एक बजट स्मार्टफोन के नाम से एक मॉडल नंबर लिस्ट होकर आया था, जिसका मॉडल नंबर था RMX 3201। तो हो सकता है ये स्मार्टफोन आपको एक महीने के अंदर देखने को मिल जाए। तो गाइस, आपके वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हो, और गाइस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।